आती नहीं है ये नजर। बस हाँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही हाजिर जवाब, और इनके सुपुत्र इनसे भी ज्यादा हाजिर जवाब। एक बार भाई साहब मेरा अमरावती जाना हो गया, मैं इनके घर चला गया, बाहर पड़ोस में इनका बच्चा मुझे बाहर ही खेलता हुआ नजर आ गया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पर हैं? बोला कौन से पापा? मैं कौन से पापा का क्या मतलब, एक ही पापा होते हैं सबके, तेरे कितने पापा हैं? बोले मेरे 5 पापा हैं। मैं कि यार कमाल कर रहा है। बोला अंकल ज्यादा बकवास मत करो, आपके तो 6 पापा हैं। मैं कि यार पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है ये तो। मैं कि अच्छा चल तू गिनवा। बोला अंकल गिनना शुरू करो आप। बोला सबसे पहले तो आपके बायोलॉजिकल फादर, जिनका नाम आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट आधार कार्ड पैन कार्ड में दर्ज है। मैं कि चल ठीक है मान लिया। बोले परम पिता परमात्मा जो पूरे सृष्टि के पिता हैं, आपके क्या हुए? मैं कि बात ये भी सही है। मैं कि और? बोले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता हैं, आपके क्या हुए? मैं कि बात यह भी सही है और बता। बोला गाय हमारी माता है और बैल। मैं कि यार ये भी बात सही है। बोला अच्छा अंकल एक बात बताओ, अपने पत्नी के पापा को क्या कहते हो? मैं यार कहता तो उन्हें भी पापा हूं। तो मैं कि ये तो 5 ही हुए, छठा तो बता। बोला अंकल झूठ मत बोलना, कभी मजबूरी में आपने गधे को भी। हाँ जिनने तालियां बजाई मुझे पता है उनने भी मजबूरी में कभी ना कभी। हाँ बैठ जा बेटा, पैर भारी हो जाएंगे नहीं तो। हाँ इतनी देर खड़ा होना कोई अच्छी बात नहीं है। भाई साहब जितना चपल है, अब आप जब ये प्रस्तुति करने आएगा आपको पता चलेगा क्या फटाफट फ्लो में क्या यहां पर ठाकों का अंबार लगा देगा। परंतु शुरुआत में बहुत शर्मीला था ये, ऐसा नहीं था जब पढ़ाई करता था। भाई साहब कई देर से मोबाइल से लगे हुए हैं कैमरे से अपना वीडियो बनाने में। देखो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखो कर क्या रहे हो आप, एक तो अपने हाथ को तकलीफ दे रहे हो, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हो, और तीसरा आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, सुबह ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेजोगे अपनी गर्लफ्रेंड को और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। आपके पल्ले क्या मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू? हाँ तो वर्तमान में आनंद लो, यहाँ दो दो कैमरे लग रहे हैं, हमारा मंच यूट्यूब चैनल पर ये सारी प्रस्तुतियां आ जाएंगी, आप उसके बाद खुल करके उसका आनंद लेना। आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर, आप सिर्फ मुझे सुनो, इस समय सबसे बड़ा VIP मैं ही हूँ। हाँ तमाम अपने जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने पद और कद को भूल करके सिर्फ एक विशुद्ध श्रोता बन करके यहाँ पर बैठना। और कुछ लोग अभी भी भोजन का आनंद ले रहे हैं, एक ब्राह्मण को यहाँ खड़ा कर दिया और सामने पे। नहीं इतनी उदारता पूर्वक दो ही व्यक्ति खा सकते हैं, या तो जिसने पैसे दिए हो या फिर फ्री में खा रहा हो, और मुझे लगता है आप दोनों कैटेगरी में ही आते हैं। हाँ मैं राकेश तिवारी की बता रहा था, बहुत शर्मीला प्राणी था ये जब कॉलेज में पढ़ा करता था। भाई साहब यकीन मानना BA फाइनल ईयर तक इससे एक लड़की सेट नहीं हुई। हाँ नहीं सही बात बता रहा हूं मैं, फाइनल ईयर में एग्जाम से 3 महीने पहले पता नहीं कैसे गलती से एक लड़की पट गई। अब बहुत ही नर्वस घबराया हुआ उसको पहली डेट पर लेकर के गया रेस्टोरेंट में, बहुत ही घबराया हुआ कहीं कोई गलती ना हो जाए, लड़की नाराज ना हो जाए, पता चले पहली डेट ही ब्रेकअप डेट बन जाए। घबराया हुआ टेंशन में नर्वस होकर के उसके पास गया, बोला डार्लिंग कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। तो बहुत ही अद्भुत प्राणी है, और ये लाइट का फोकस इधर है इधर है और यहां नहीं है, तो थोड़ा यहां अतिरिक्त लाइट करवा दीजिए। कई लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा कि अंधेरे में कोई गमला रख रखा है या क्या है ये। हाँ नहीं जब बात हो रही थी विनीता जी से, कोऑर्डिनेशन चल रहा था मेरा, तो उन्होंने कहा सारे कवियों की फोटो भेजो, फोटो भेज दी। तो उन्होंने कहा ये कामता माखन की लगता है आपने थोड़ी, वो फोटो में कंट्रास्ट ज्यादा है ब्राइटनेस कम है।
मैं कहने यही ओरिजिनल है। फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ, इन्होंने कहा नहीं वीडियो क्लिप भी भेजो। वीडियो क्लिप भी भेजी, अब जो है वो तो वैसा ही दिखेगा, चाहे फोटो में देख लो वीडियो में देख लो। बोले समझ में नहीं आई बात, में कि समझने वाली क्या बात है। बोले नाम इसका काम था माखन, माखन तो गोरा चिट्टा होता है, ये कौन सा माखन है। मैं कि ये चॉकलेटी फ्लेवर वाला माखन है। बहुत बढ़िया इंसान है। हमारे साथ तो कई तरह के अलग हादसे भी होते रहते हैं। आगरा में एक कवि सम्मेलन था, वहां पर एक होटल में हम रुके हुए थे सारे कवि लोग। 27वीं मंजिल पर हमारे कमरे अलॉटमेंट थे, वहां पर अचानक भाई साहब होटल में आग लग गई। अब तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, ऊपर तुरंत वो फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ियां लगा करके चढ़े, नीचे वो जाल लगा दिया गया, जितने भी लोगों को था ऊपर से फेंकने लगे, वो जाल पर आकर के गिरते और उनको बचा करके तुरंत फर्स्ट एड हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस में बिठा करके ले जाते। तभी अचानक से ऊपर से किसी ने कामता माखन को फेंका, नीचे जो लपक रहा था वह बोला अबे जले फूके को क्यों फेंक रहा है, जिंदा लोगों को फेंक। तो एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम पहले ही विलंब हो चुका है और ये हमारी भारतीय परंपरा भी है भाई साहब। कोई कार्यक्रम कभी शुरू जो निश्चित समय उस पर शुरू हो ही नहीं सकता, ये हमारी परंपरा बन चुकी है। परंतु पूरे देश में एक स्थान ऐसा है जहां पर जो समय निश्चित हो गया उसी समय कार्यक्रम शुरू होगा, कोलकाता। मुझे एक बार मौका मिला कोलकाता में कवि सम्मेलन में जाने का, 6 बजे का समय निश्चित था, ठीक 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया और जो ऑडिटोरियम था उसके गेट हो गए बंद। ठीक 6:15 पर कार्यक्रम के चीफ गेस्ट पहुंचे, देखा दरवाजा बंद, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़ा, बोला भाई दरवाजा खोल। बोला दरवाजा तो अब कार्यक्रम के बाद ही खुलेगा। बोले मैं चीफ गेस्ट हूं। बोला कोई सा गेस्ट हो दरवाजा नहीं खुलेगा। बोला नहीं मेरी आयोजकों से बात करवा, नहीं तो मैं तेरे को अभी सस्पेंड करवा दूंगा, दरवाजा खोल। बोले दरवाजा तो खोल दूंगा पर इस बात की गारंटी लोगे कि अगर दरवाजा खुलने के बाद श्रोता भाग गए। हाँ देखो ये कवियों की फितरत है भाई साहब, ये बहुत अच्छे कवि आप लोगों ने बुलाए हैं, नहीं तो कई कवि तो बद्दुआएं दे जाते हैं कि अगर मेरी कविता पर तालियां नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर जा करके बजाओगे। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनमें से कोई कवि आपको ऐसी बद्दुआ नहीं देगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि तालियों से कोई कवि श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है या उसकी रचना श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है। सीधी सी बात है कि क्यों इन कवियों को तालियों की जरूरत पड़ती है कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। मैं समझ रहा हूं धीरे धीरे आपका टेस्ट कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को भीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे में जवानी की, मूछों को मरोड़ की, जवानी में गठजोड़ की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सर एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घर वाली। हाँ काफी संख्या में यहां पर मातृशक्ति भी विराजमान है, आपको भी प्रणाम करता हूं। अभी 8 मार्च को महिला दिवस गया, बहुत अच्छा लगा। आजकल वास्तव में महिलाओं की जो सहभागिता इस देश के विकास में जितनी हो चुकी है, उस बात पर मैं चाहूंगा कि एक बार आप तालियां बजा दीजिए कि आजकल महिलाएं भी इतनी तरक्की पा गई कि देखते ही देखते सारे जहां में छा गई, रेल बस एरोप्लेन सब कुछ चला सकती हैं, ये बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं, ये कि रेल बस एरोप्लेन सब कुछ चला सकती हैं, ये बनकर कमांडो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं, खेल में व्यापार में इनका ही अब सिक्का चले, क्या है कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े।
कोई विभाग जो इनके बिना आगे बढ़े। फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर, फायर ब्रिगेड में मगर आती नहीं है ये नजर, क्योंकि माना माना कि ये सारी दुनिया कदमों में झुका भी सकती है, पर आग बुझाना काम ना इनका, बस आग लगा ये सकती हैं। हाँ भाभियां नोट कर ले, किस किसने बजाई तालियां, जिनके घर में सबसे ज्यादा आग लगी हुई है उन्होंने ही बजाई है। हाँ नहीं, मैं वास्तव में बेटियों का बहुत सम्मान करता हूं और बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, दिल से सम्मान करता हूं और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं, और उससे भी ज्यादा अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान करता हूं। हाँ समझ में आ रहा है टेस्ट आप लोगों का, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। जब कवियों के नाम फाइनल हो रहे थे, विनीता जी ने मुझसे पूछा कि कौन किस रस का कवि है, तो मैं कि चलो मैं आपको रस का भी परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कपिल जैन जी के बारे में पूछा, ये कपिल जैन किस रस के कवि हैं। मैं कि देखो वैसे तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस और अद्भुत रस। उसके बाद विद्वानों ने 3 रस और जोड़ दिए, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। 11 रस आज तक प्रचलित है, परंतु ये 11 रस में किसी में भी रस में फिट नहीं होते हैं। बोले ऐसे कौन सा रस के कवि हैं ये, मैं कि ये सोम रस के कवि हैं। नहीं इनकी हरकतें ऐसी हैं भाई साहब, बॉडी लैंग्वेज से आपको भी अंदाजा हो गया होगा। हाँ ये संदीप जी बोले यहां हमारे खाने पीने की व्यवस्था है, बोले खाने की छोड़ो आप पीने की कर दो बस। हाँ अच्छा, कुकिंग का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। एक बार हमारी भाभी जी चली गई मायके, अब पीछे से ये परेशान क्या बनाए, अगले को चाय तक बनानी नहीं आती। इन्होंने दिमाग लगाया, याद किया कि भाभी जी रसोई में क्या क्या करती है, इन्होंने अपनी पुरानी मेमोरी रिकॉल की, तब इनको याद आया कि कुकर पे कुछ तो करती हैं। तो इन्होंने कुकर में पानी चढ़ाया, कुकर को गैस पे चढ़ाया, और आजकल देखो जैसा जो ट्रेंड चल रहा है, कोई भी आदमी नया काम करता है तुरंत फेसबुक पे अपडेट कर देता है। इन्होंने भी कुकर के साथ अपनी सेल्फी ली और फेसबुक पर अपलोड कर दिया और उस पर कैप्शन डाला, दोस्तों चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। अब भाई साहब जैसे ये वैसे इनके दोस्त, उस पे कमेंट आने शुरू हुए। पहला कमेंट आया, बोले फोटो में एक सीटी तो नजर आ रही है और कितनी सीटियां लगवाओगे। दूसरे का कमेंट आया, बोले चाय की पत्ती को अगर आधा घंटे आप पानी में भिगो करके रख दो तो एक सीटी में ही काम चल जाएगा। तीसरे का कमेंट आया कि जैन साहब बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर सीटी मारो, चाय वो खुद ले आएगी। और जो सबसे बढ़िया कमेंट आया, जिसे करने वाले थे हमारे कामता माखन जी, इन्होंने कमेंट किया कि जैन साहब भाभी जी घर पर है नहीं तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ और जितनी कहोगे उतनी सीटियां हम बजा देंगे।